ये चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं, नितिन चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं, चन्नी को अभिषेक कर करो तस्वीरों में दिखा देता है। चरणजीत सिंह चन्नी, ये देखिए आप गाड़ी से निकल रहे हैं, बिल्कुल हम जी हिंदुस्तान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त आपको देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चन्नी साहब, क्या क्या आज बातें रही, प्रधानमंत्री से मुलाकात थी, क्या कुछ मुद्दों पे बातचीत हुई? आप लोग सब शांत हो जाएंगे फिर मैं बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत है, आप सब मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, तो जाएंगे फिर मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत है, आप सब मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने तीन बातें उनको उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो फर्स्ट से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये तीन बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। सो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है, पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। पंजाब ने हमेशा देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसलिए पंजाब को ऐसे मामलों से दूर रखना चाहिए और ये मसला है जो जल्दी हल होना चाहिए। तीसरा, जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुघर को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो, वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। सो ये तीन बातें जो मेन थी जो मैंने उनसे रखी है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती पे भी बात हुई है, तो एक अच्छे माहौल में बातें हुई हैं।
उसके लिए जैसे एक सीएम से बात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छा माहौल और अच्छा प्यार होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे दिया है। आई एम थैंकफुल टू हिम और मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं दस चुके हैं कि बड़ी छेती होकर उन्होंने कहा मैं हल कर रहा हूँ। चन्नी साहब, पंजाब के कल्याण की बातें आपने रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में, आपकी मुलाकात भी थोड़ी लंबी रही है 40 मिनट के आसपास। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया? यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकार तो ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू, प्रेस है जो देश की, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री ने आपने कहा कि इश्यूज पे बातचीत रिज्यूम होनी चाहिए, इसके ऊपर जो साथ के साथ है कुछ हल निकाला जाए, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या कहा? थोड़ा बताइए। उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं, लंबी बात हुई है, वो भी हल करना चाहते हैं इस मसले को। मैंने उनको खास तौर पे क्या किया है कि मेरा पंजाब सफ़र कर रहा है, मेरे पंजाब की इकॉनमी सफ़र कर रही है, मेरा पंजाब जो देश के लिए लड़ता है मरता है और हमेशा आज़ादी में देश की एकता लिए भी के लिए भी हमने बलिदान दिए हैं, तो इसकी जो ये संकट आ गया है एग्रीकल्चर का, इसको दूर करें। धन्यवाद।